संभल में सामने आया कोरोना वायरस का पहला संदिग्ध केस। जापान से लौटी महिला को कराया आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। महिला के सैंपल लेकर जांच को भेजा। संभल में सामने आया कोरोना वायरस का संदिग्ध पहला केस। जापान से लौटी महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड को किया गया सील। महिला के आसपास नहीं फटकने दिया जा रहा है किसी को। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। महिला के सैंपल जांच को अलीगढ़ भेजे गए हैं। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता बोले, सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। डॉक्टर, एक महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है, क्या उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ पाया गया, उसमें कोरोना वायरस जैसे कुछ लक्षण पाए गए उसमें कुछ? कल ये महिला हमारे यहाँ भर्ती हुई है। ये 6-7 तारीख में जापान से लौट कर आई थी। CMO द्वारा बताया गया कल कि इन्हें कुछ सांस की प्रॉब्लम है, बुखार है, खांसी है, इसलिए इनको भर्ती किया गया है। इनका सैंपल अलीगढ़ जाँच के लिए भेजा गया है। 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक इनको भर्ती किया गया है। रिपोर्ट के बाद जैसा होगा वैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेशनरी है, अभी भर्ती है। आइसोलेशन वार्ड में